ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए श्रवण करते हैं माघ पूर्णिमा की कथा। कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता था। ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह दुखी रहता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन लोगों ने उसे बांझ कहकर ताने देने शुरू कर दिए और लोगों ने उसे भिक्षा देने से मना कर दिया। इससे उसे बहुत दुख हुआ। तब किसी ने उसे 16 दिन माँ काली की पूजा करने के लिए कहा। ब्राह्मण दंपति ने सभी नियमों का पालन करके माँ काली का विधि विधान से 16 दिनों तक पूजन किया। व्रत के परिणाम स्वरूप 16वें दिन पूजा करने के बाद माँ काली उनसे बेहद प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी को गर्भवती होने का वरदान दिया। साथ ही माता ने कहा कि तुम पूर्णिमा को एक दीपक जलाओ और हर पूर्णिमा पर ये दीपक बढ़ाती जाना। ऐसा तब तक करना जब तक कम से कम 32 की संख्या में दीपक ना हो जाए। साथ ही माता ने दोनों दंपतियों को पूर्णिमा का व्रत रखने के लिए भी कहा। ब्राह्मण दंपति ने माता के कहे अनुसार पूर्णिमा का व्रत रखा, साथ ही दीपक भी जलाना शुरू कर दिया। इसी बीच ब्राह्मणी गर्भवती भी हो गई और कुछ समय बाद उसने एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा। लेकिन देवदास की उम्र बहुत कम थी। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसके माता पिता ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी, जिसकी वजह से धोखे से देवदास का विवाह हो गया। कुछ समय बाद देवदास की मृत्यु का समय नज़दीक आ गया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने उस दिन पुत्र प्राप्ति के लिए पूर्णिमा का व्रत रखा था, जिस कारण काल भी देवदास का कुछ ना बिगाड़ सका और उसे जीवन दान मिल गया। कहते हैं इस तरह पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से व्यक्ति के सभी संकटों से छुटकारा मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय श्री कृष्ण।